नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया सुपर फास्ट। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। अगले आधे घंटे में देखिए 50 बड़ी खबरें। बिहार में पोस्टर वार पर एक बार फिर प्रशासन का डंडा चला है। पटना एयरपोर्ट के सामने और आसपास के इलाकों से बीजेपी के पोस्टर हटा दिए गए हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पार्टियों को पोस्टर तभी हटाए जाएंगे, किसी भी सूरत में नियमों का पालन होगा। पटना में तीसरे चरण में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। प्लीज प्लीज अभी काम करने दीजिए, उसके बाद मैं बात करूंगा। चुनाव आयोग के आदेश में हो रहा है या फिर आपको पता है अभी चुनाव चल रहा है तो उसके आधार पे जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश होता है उसको सभी को पालन करना होता है, तो वही हम लोग पालन कर रहे हैं। आयोग ने ये आदेश पारित किया है कि हटाया जाए। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है, चुनाव के समय में होता है, इसी हिसाब से कार्रवाई चल रही है। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए के नेताओं ने आज पटना के बीजेपी ऑफिस में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बिहार बीजेपी अध्यक्ष मंगल पांडे, बिहार एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बिहार आरएलएसपी के अध्यक्ष अरुण कुमार और बीजेपी बिहार हम के अध्यक्ष शकुनी चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान चारों पार्टियों के अध्यक्ष ने एक सुर में चुनाव कार्य में लगे अफसरों पर भेदभाव बरतने का आरोप लगाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपनी हार सुनिश्चित देख रहे हैं, इसलिए वो डर और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी हार को सुनिश्चित देख रहे हैं तो फिर से अपराधियों के बल पर मतदाताओं को भयभीत करना, प्रत्याशियों को भयभीत करना, डर और भय का माहौल पैदा करना और डर और भय का माहौल पैदा करके चुनावी व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास करना, लोगों के मन में आशंकाएं पैदा करना जिससे निर्भीक और निष्पक्षतापूर्ण मतदान मतदाता ना कर सके, ऐसा प्रयास बिहार की सरकार के द्वारा और उनके कुछ अधिकारियों के द्वारा हो रहा है। हम लोग हर घटनाओं की जानकारी चुनाव आयोग को लगातार दे रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना था कि चुनाव कार्य में लगे अधिकारी किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, न कि सरकार के लिए। वहीं एलजेपी प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने नालंदा और नवादा में हुई घटना पर कहा कि विरोधी हमारे उम्मीदवार पर हमला करवा रहे हैं। कार्य की घटना कल की घटना है, नवादा की घटना जैसा कि अरुण ने कहा, तो इस ढंग से प्रशासन नाम की चीज को बिहार में लग नहीं रहा है। और नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी बौखला गए हैं या कहीं तो पगला गए हैं कि एक तरफ से अपनी हार को स्वीकार करते हुए जितना एनडीए का उम्मीदवार है सब पर किसी न किसी रूप से वो हमला करवा रहे हैं। इनकी मांग थी कि बिहार निर्वाचन आयोग ऐसे अधिकारियों पर आइडेंटिफिकेशन करके चुनाव कार्य से हटाए। आरएलएसपी सांसद अरुण कुमार भी पीसी में मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष अपनी हार से घबराया हुआ है। परिणाम जो आने वाले हैं उसका साफ संकेत है कि सत्ता पक्ष के लोग घबराए हैं, हताशा हैं, हताशा के शिकार हैं और अधिकारियों की शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अधिकारी में हुआ सपनी बाबू ने बतलाया है, मैं खुद स्पॉट पर गया था घटना की सूचना मिलने के बाद। मीडिया के लोग भी वहां गए, पत्थरों का अंबार सड़कों पर, एक पुलिस जीप वहां लगी हुई है जो फुटेज किसी ने कैमरे में लिया है, कई जगह व्हाट्सएप पर भी गया है। सात पुलिस जीप उस भीड़ में है, पुलिस नहीं दिख रही है, अगल बगल खड़ा होकर के वो इंस्टिगेट कर रही है मॉब को, मारो मारो मारो। और डीएसपी ने कहा कि अब काम हो गया, तुम लोग निकलो। ये सारी बात फुटेज में आई। वहीं हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी ने कहा है कि पुलिस पदाधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, चुनाव आयोग को उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जहां हमारे वोट होते हैं वहां पर उनके जो कर्मचारी हैं चुनाव में लगाए गए हैं वो तो वोट को शिथिल करते ही हैं, और जो उनके एसपी डीएसपी
और मैंने जो कर्मचारी लोग हैं, बड़ी शर्म आती है कि ये पदाधिकारी सरकार के वफादार नहीं हैं, ऐसे लोग लीडरों के वफादार हो गए हैं, जो एक शर्म की बात है। होना चाहिए सरकार का वफादार, इलेक्शन कमीशन का वफादार। इलेक्शन कमीशन के हाथ में वो हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन का डंटा नहीं खड़कने के कारण ये लोग अपनी मनमानी पर रहते हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं आग्रह करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी को आज ही सस्पेंड करें, और नहीं तो कम से कम इसको लाइन हाजिर करा दें, क्योंकि कल के चुनाव में ये भारी धांधली कर सकते हैं। पटना पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने महिलाओं की सुरक्षा पर बोलते हुए कहा है कि बिहार में पिछले 2 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, इस बार महिलाएं जंगल राज के खिलाफ वोट करेंगी। जब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हम आंकड़े देखते हैं तो समझते हैं कि 2012 से लेकर 14 तक बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है उसमें रेप की घटनाओं में 21% की वृद्धि हुई है। महिलाएं चाहती हैं कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और जंगल राज का साया बिहार पर दोबारा ना मंडराए। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा है कि अब लोगों के रसोई का बजट दोगुना हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने समय रहते महंगाई को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। वहीं आनंद शर्मा ने कहा कि एक ओर जहां महंगाई अपने चरम पर है, वहीं देश के लेखक अपने अवार्ड लौटा रहे हैं। पिछले कुछ सप्ताह से देश में एक ऐसा वातावरण बना जिससे काफी भारत की जनता चिंतित है। देश की छवि दुनिया में धूमिल हुई है, एक भय का वातावरण है, और लोगों की स्वतंत्र आवाज को, स्वतंत्र विचार को दबाने की पूरा नीतिगत कार्य हो रहा है। उसके विरोध में, उससे त्रस्त होकर जब देश के कुछ वरिष्ठ लेखक, कवि और महान विभूतियों ने, जिनको देश ने पहले सम्मानित किया है कई वर्षों पहले, दशकों पहले, उन्होंने अपने अवार्ड्स वापस किए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा है कि दरअसल देश के सभी इस्तीफा देने वाले साहित्यकार पीएम मोदी से नफरत करते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। जब आनंद शर्मा की पार्टी ने देश में इमरजेंसी लगाया था तो कुलदीप नैयर, रामनाथ गोयनका को छोड़ के ये बाकी साहित्यकार कहां थे? जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था तो ये साहित्यकार कहां थे? जब सलमान रुश्दी की पुस्तक को बैन किया गया उस समय साहित्यकार कहां थे? तो ये सारे साहित्यकार हमारा सम्मान है, लेकिन ये सब लोग नरेंद्र मोदी से नफरत करते रहे। पिछले 10 साल का इतिहास देखिए इनका, कुछ को छोड़कर। बढ़ती महंगाई और दाल की बढ़ती कीमतों पर केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि इस बार 20 लाख टन दाल का उत्पादन कम हुआ है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि दाल का हम लोगों के यहाँ जो खपत है वो 225 लाख टन है, और जो पैदावार जो है, इस बार मौसम खराब हुआ, पैदावार हुआ है 192 लाख टन पिछली बार हुआ था और 172 लाख टन इस बार हुआ है, तो 20 लाख टन वैसे ही कम हो गया। और उसके बाद हम लोग इंपोर्ट हमेशा 30 लाख 40 लाख टन कह कहते हैं कि हमेशा होता रहा है। दुर्भाग्य से क्या है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं वहाँ, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लोग दाल का उत्पादन भी करते हैं और खाते भी हैं। दूसरे जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत धान चाव वहाँ उत्पादन होता है, या कनाडा में होता है, या साउथ अफ्रीका में होता है, म्यांमार में होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो इतना नहीं होता है पैदावार कि जो हमारी आवश्यकता को वो पूरा कर सके। तो उसके कारण से क्या हुआ कि एक तो 20 लाख टन पैदावार कम हुआ, दूसरा क्या कहते हैं कि खपत, जैसा कि हमने कहा कि 225 लाख टन का है, मेन कारण क्या कहते हैं कि ये है।
दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। आम आदमी दाल की बजाय मांसाहार करना ज्यादा बेहतर समझ रहा है, लेकिन त्योहार में दाल मजबूरी बन गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि लोग दाल खाएं तो खाएं कैसे, क्योंकि दाल अब आम आदमी के खरीद के बस की बात नहीं। दुकानदार परेशान है क्योंकि दाल की बिक्री घट गई है। अब सबको इंतजार हालात के सामान्य होने का है। अभी दाल की कीमतें जो है अभी जितना घटनी चाहिए थी वो अभी घटी नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने दाल इंपोर्ट किया है, लेकिन अभी लोकल मार्केट पे उसका कोई खास अभी इंपैक्ट नहीं पड़ा है। क्या लगता है चिकन और दाल में क्या अंतर रह गया कीमत में? तो चिकन ज़्यादा सस्ता है, चिकन 100 रुपये के जी है, दाल अभी भी 100 से ऊपर है, 150 से 160 रुपये के जी दाल है। तो दाल से बढ़िया लोग चिकन खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो अभी त्योहारी मौसम है, त्योहारी मौसम में अभी नॉन वेज वगैरह लोग नहीं खा रहे हैं, इसलिए दाल मजबूरन दाल खाना ही पड़ रहा है। कटिहार में बलरामपुर विधानसभा के बारसोई में एक बार फिर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और जेडीयू सहित सभी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को एक बताया और कहा कि किसी भी सरकार ने सीमांचल के विकास पर ध्यान नहीं दिया। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर बोलते हुए अंबेडकर को गांधी जी से बड़ा नेता करार दिया। साथ ही ओवैसी ने कहा कि बिना मुसलमान के सहयोग से कोई सरकार नहीं बन सकती है, ऐसे में मुसलमान वोटर जागें और अपने महत्व को समझें। पटना साहिब विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी नंदकिशोर यादव ने अपने क्षेत्र की जनता से विकास के मुद्दे पर वोट मांगा। उन्होंने कहा कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से जनता की सेवा वे करते आ रहे हैं, इसलिए उन्हें विश्वास है कि इस बार भी जनता उनके विश्वास पर खरा उतरेगी। हमारे पास तो एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। हमने लोगों की सेवा की है, पटना सिटी क्षेत्र के विकास के लिए हर प्रकार के काम किए हैं और आने वाले समय में भी तेजी से विकास हो बिहार का, इसके हम लोग फिर से एक बार लोगों से अपना मत देने की अपील कर रहे हैं। लालू प्रसाद के जेल जाने वाले बयान पर सुशील मोदी ने कहा है कि लालू नौजवानों को जेल जाने की नसीहत तो दे देते हैं, जबकि अपने बेटों को विधानसभा भेजना चाहते हैं। दरअसल भभुआ में लालू ने जेल की तुलना गुरुद्वारे से कर दी थी। दरभंगा में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का जो बजट है उससे अधिक केंद्र सरकार ने पैकेज दे दिया है। अनंत कुमार ने लोगों से लालू और नीतीश से सतर्क रहने की सलाह दी। वहीं सांसद कीर्ति झा आजाद ने कविता के जरिए बड़े भाई छोटे भाई पर निशाना साधा, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि बिहार में बीजेपी की सरकार बनने पर ही राज्य का विकास संभव है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर रहे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के मौके पर PM ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। DRDO भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में PM ने दिवंगत कलाम की जीवनी पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। दो बातें कलाम साहब की जो स्वाभाविक नजर आती हैं, एक तो उनके बाल, दूर से भी किसी को पता चलता है कि अब्दुल कलाम जी जा रहे हैं, और कुछ न बनाया हो सिर्फ उनके बालों को किसी ने पेंट किया तो वो कह देगा कि हाँ बाकी चेहरा कलाम साहब का होगा। लेकिन साथ साथ एक और भी बात थी, जैसे उनके बाल थे वैसा उनके भीतर एक बालक था, तो उनके बाल और उनके भीतर का बालक, ये दोनों मैं समझता हूँ हमेशा हमेशा जो उनके निकट गए हैं उनको याद रहेगा। मोदी ने इससे पहले ट्वीट किया था कि डॉक्टर कलाम के जयंती समारोह में भाग लेने को लेकर वे प्रसन्न हैं, जिसमें डॉक्टर कलाम के प्रतिमा का अनावरण और एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन शामिल है। बता दें कि भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर कलाम का 27 जुलाई को निधन हो गया था। 15 अक्टूबर 1931 को जन्मे कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 56 दिनों के इंतजार के बाद रांची सिविल कोर्ट ने इंतजार अली को जमानत दे दी। विस्फोटकों के साथ गिरफ्तार इंतजार को 10,000 के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी गई। इंतजार के वकील ने बताया कि ट्रेन से सफर के दौरान इंतजार के बर्थ के नीचे से विस्फोटक पाए गए थे, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि विस्फोटक वही ले जा रहे थे। बता दें कि 20 अगस्त को इंतजार अली को आर्मी इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस ने कीता स्टेशन पर वर्धमान हटिया पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया था। अगर आप रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।
इन 6 शहरों में घरेलू गैस की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये गैस कंपनियों को भी मुहैया कराई जाएगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के जरिए ये काम किया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में गेल और राज्य सरकार के बीच गैस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया जा चुका है। मौके पर मुख्यमंत्री रघुवर दास और गेल के चेयरमैन बीसी त्रिपाठी भी मौजूद थे। गेल इस भूमि का इस्तेमाल केवल 5 मीटर नीचे तक पाइपलाइन बिछाने में करेगा। इसके बाद भूमि के मालिक भूमि का इस्तेमाल पहले जैसा कर सकेंगे। झारखंड में वाहनों के लिए गेल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG भी उपलब्ध कराएगा। इससे वाहनों में प्रदूषण कम से कम होगा। वहीं घरेलू गैस उपभोक्ताओं को पाइपलाइन के जरिए पाइल नेचुरल गैस यानी PNG उपलब्ध कराई जाएगी। PNG की उपलब्धता पर LPG सिलेंडर की जरूरत नहीं रहेगी। झारखंड सरकार ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारों को पंचायती राज संस्थाओं को दे दिया। इसके तहत अब मुखिया प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों शिक्षकों और डॉक्टरों को आकस्मिक अवकाश यानी CL देंगे। कैबिनेट ने डॉक्टरों के अटेंडेंस और उन्हें आकस्मिक अवकाश यानी CL देने का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। इसी के आधार पर डॉक्टरों का वेतन भुगतान होगा। सिविल सर्जन को आकस्मिक अवकाश यानी CL जिला परिषद अध्यक्ष देंगे। प्रखंड स्तर पर पोस्टेड डॉक्टरों का आकस्मिक अवकाश प्रमुख देंगे। अब ग्राम पंचायत हर माह कम से कम एक बार हरेक विद्यालय में चल रहे मिड डे मील का मुआयना करेगी। इसके लिए हर वार्ड में एक समिति का गठन होगा। विधायक बनना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लिहाजा सभी प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। भैया आप मेहनत करिएगा तो आराम की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जिस मंच से आप नेताजी आपके लिए वोट मांग रहे हैं उसी मंच पर नींद का आनंद लेने लगे। महनार में ऐसा हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी अच्युतानंद सिंह के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन लोगों से वोट मांगते रहे और अच्युतानंद सिंह लेते रहे नींद का मजा। यहां साध्वी ने गोमांस सहित न जाने कितने मुद्दों पर लोगों को भाषण पिला डाला, लेकिन अच्युतानंद जी को इससे क्या लेने देना, वो तो नींद के परमानंद में खोए हुए नजर आए। गया में 2 जगहों पर बम मिला है। बाके बाजार और परैया इलाके में लैंडमाइंस और IED बम मिला है। दोनों बमों को डिफ्यूज किया जा चुका है। मनेर के श्रीनगर गांव में एक नवविवाहिता ने खुदकुशी कर ली। पुलिस की छानबीन में शव के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट के मुताबिक ससुराल वालों से परेशान होकर सरिता ने खुदकुशी की है। सुसाइड नोट में ससुराल वालों पर हत्या की कोशिश करने का भी जिक्र सरिता ने किया है। बिहार शरीफ में एक छात्रा के अपहरण के विरोध में आक्रोशित लोगों ने SP आवास का घेराव किया। अपहरण मामले में पुलिस की लापरवाही से लोगों में काफी आक्रोश है। बिहार शरीफ के अलीनगर में 9 दिन पहले एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया था। अपहृत छात्रा की मां ने बिहार थाने में मामला दर्ज कराया था। संजू बिहार थाने में FIR दर्ज करने के लिए 300 रुपए ले रहा था। FIR दर्ज करने वाले पुलिसकर्मी ने और रुपयों की मांग की। इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अपहृत लड़की को नहीं ढूंढ पाई। नेपाल में मधेशियों के आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी से आम लोगों की जिंदगी हलकान होने लगी है। पेट्रोल की किल्लत से परेशान नेपाली नागरिकों का जमावड़ा अब सीमावर्ती इलाके के पेट्रोल पंप पर लगने लगा है। सुपौल जिले के भीमनगर बॉर्डर से सटे नेपाल सीमा के तराई इलाकों के लोग वाहनों में पेट्रोल डीजल तो भरवा ही रहे हैं, गैलन में भी पेट्रोल भर भर कर डीजल भर भर कर अपने इलाके में ले जा रहे हैं। माओवादियों के पलामू बंद का खासा असर पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। बंद के कारण छोटे बड़े वाहन नहीं चल रहे हैं, जबकि रेल परिचालन भी ठप है। हालांकि नक्सलियों ने प्रेस वाहन, एम्बुलेंस और दूध वाहन को बंद से मुक्त रखा है। वहीं बंद को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान ने आज इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इससे पहले IPL के मौजूदा कमिश्नर राजीव शुक्ला ने ट्वीट करके उनके संन्यास लेने की जानकारी दी थी। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने लंबे समय तक भारतीय आक्रमण की बागडोर संभाली, लेकिन पिछले कुछ समय से फिटनेस की समस्या से वे लगातार जूझ रहे थे। जहीर लंबे समय से चोटिल चल रहे थे, जिसके कारण उन्हें टीम इंडिया से बाहर रखा गया था। खान ने आखिरी टेस्ट फरवरी 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। वहीं आखिरी वनडे अगस्त 2012 में श्रीलंका के खिलाफ पल्लीकल में खेला था। उसके बाद वे टीम इंडिया में वापसी नहीं कर सके। इस बीच जहीर ने 2015 में IPL में वापसी की, लेकिन उनकी गेंदबाजी में वह धार नहीं दिखी। 37 साल के इस गेंदबाज ने दिल्ली डेयरडेविल्स की ओर से 7 मैच खेले और सिर्फ 5 विकेट ही ले सके।
बीसीसीआई ने ट्वीट करके जहीर को उनके भारतीय क्रिकेट में लंबे योगदान के लिए शुक्रिया कहा है। जहीर ने भारत की ओर से कुल 92 टेस्ट मैचों में 311 विकेट लिए, जबकि 200 वनडे मैचों में जहीर ने कुल 282 विकेट लिए। इसके अलावा 17 T20 मैचों में उनके नाम 17 विकेट हैं, यानी जहीर ने भारत की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। सहरसा के कचहरी स्टेशन के पास स्थित माता दुर्गा के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूं तो सहरसा में कई शक्ति स्थल हैं, लेकिन नवरात्रि में भक्तों का यहां पर जनसैलाब विशेष रूप से उमड़ता है। हालांकि कचहरी स्थित मां की मान्यता कोसी सीमांचल सहित नेपाल इलाके के लोगों को भी है। आस्था के इस पवित्र मंदिर में लोग मां से जो भी मांगे मानते हैं वहां माता उन्हें शीघ्र पूर्ण करती हैं। नवरात्र में गोपालगंज का थावे मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हजारों की तादाद में भक्त पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। मंदिर समिति और जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं।